मेरा गौड़ा संगम का ग्रेटर हैदर का प्रेसिडेंट है और बीसी वेलफेयर एसोसिएशन का स्टेट वाइस प्रेसिडेंट हूँ मैं। हमारा स्कूल में, हमारा बस्ती का स्कूल्स में पूरा कंप्लीट गवर्नमेंट कोई भी नहीं देख रहे, और प्राइमरी स्कूल में नल्लाबाबू स्कूल है हमारा, उसका बहुत चिल्ड्रेंस आता है, उस स्लम से आता है, उसके लिए एक पानी भी नहीं आते, वो टॉयलेट्स भी सही नहीं है, पानी गिरे तो पूरा स्कूल में आते, बच्चों का बैठने की टेबल्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, फैन नहीं है, पानी गिरे तो बच्चे बाहर बैठे तो अच्छा रहता, वो स्कूल में बैठे तो स्कूल में बैठने के नहीं दिखता उन्हें, बाहर बैठे तो अच्छा है वो, लेकिन वो स्कूल में कुछ भी नहीं है, टीचर्स भी सही है, बच्चों आने के पेरेंट्स मन में क्या सोच रहे, इधर कैसे बैठते, अम्मा पूरा जरम बुखार आते बच्चों का, ऐसा बैठे तो पूरा गंदा गंदा स्मेल आ रहा, बाहर में पूरा छत्ता है, कचरा डाल रहे, कचरा के लिए पूरा मच्छर आ रहे, बच्चों के पूरा तबीयत ठीक नहीं रहे, यहाँ पर पड़े तो कैसे होता है, बच्चों को पढ़ने के आ रहे, बीमार लेने को आ रहे, ऐसा ही पूछ रहे हमारा लोग। हम यहाँ पर स्कूल में गवर्नमेंट कुछ भी करने को सोचना करते, गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रहे हम बच्चों का पढ़ने, हमारा बच्चा अच्छा पढ़ने को सोचने को गवर्नमेंट सोचे ना, वैसे सोचे तो ये खाली थोड़ा थोड़ा चीज़ों पर भी नहीं दे रहे ना, वैसे कैसे बिचाते बच्चों की, प्राइवेट स्कूल को बिचारे, ये यहाँ पर पढ़ने को बैठने को कोई भी नहीं है ना, टॉयलेट कैसे जाते, कुरान पढ़ते, हाथ धोने को नहीं है, पाँव धोने को पानी भी नहीं है, कुरान पढ़ने वाले यहाँ पर कैसे बैठते, हम ऐसा पूछ रहे, गवर्नमेंट स्कूल को भी जाओ बोले तो पेरेंट्स वैसे पूछ रहे, पानी भी नहीं है तो कैसे आते, टॉयलेट्स कंपलसरी होना था ना गवर्नमेंट, ये बात में जरा सोचे तो अच्छा रहता। थैंक यू।